ओम शांति। 10 अप्रैल 2024 बाबा के साकार महावाक्य। मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप के पास तुम रिफ्रेश होने आते हो। यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत का सच्चा संग मिलता है। प्रश्न, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए सदा कौन सी एक राय देते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे कभी भी आपस में संसारी झरमुई झगमुई की बातें नहीं करो। कोई सुनाता है तो सुनी अनसुनी कर दो। अच्छे बच्चे अपने सर्विस की ड्यूटी पूरी कर बाबा की याद में मस्त रहते हैं, परंतु कई बच्चे फालतू व्यर्थ बातें बहुत खुशी से सुनते सुनाते हैं। इसमें बहुत समय बर्बाद जाता है, फिर उन्नति नहीं होती। ओम शांति। डबल ओम शांति कहें तो भी राइट है। बच्चों को अर्थ तो समझा दिया है, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। जब मेरा धर्म है ही शांत, तो फिर जंगलों आदि में भटकने से शांति नहीं मिल सकती है। बाप कहते हैं मैं भी शांत स्वरूप हूँ, यह तो बहुत सहज है, परंतु माया की लड़ाई होने के कारण थोड़ी डिफिकल्टी होती है। यह सब बच्चे जानते हैं कि सिवाय बेहद के बाप के यह ज्ञान कोई दे न सके। ज्ञान सागर एक ही बाप है। देहधारियों को ज्ञान का सागर कभी नहीं कहा जा सकता। रचेता ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, वह तुम बच्चों को मिल रहा है। कई अच्छे अनन्य बच्चे भी भूल जाते हैं, क्योंकि बाप की याद पारे मिसल है। स्कूल में तो जरूर नंबर वार होंगे ना? नंबर हमेशा स्कूल के गिने जाते हैं, सतयुग में कभी नंबर नहीं गिना जाता। यह स्कूल है, इसे समझने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। आधा कल्प होती है भक्ति, फिर भक्ति के बाद ज्ञान सागर आते हैं ज्ञान देने। भक्ति मार्ग वाले कब ज्ञान दे न सके, क्योंकि सब देहधारी हैं। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा भक्ति करते हैं, वह किसकी भक्ति करेंगे? एक ही बाप है जिसको देह नहीं है, वह किसकी भक्ति नहीं करते? बाकी जो देहधारी है वह सब भक्ति करते हैं, क्योंकि रचना है ना, रचयिता है एक बाप। बाकी इन आँखों से जो भी देखा जाता है, चित्र आदि, वह सब है रचना। यह बातें घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाप समझाते हैं तुमको बेहद का वर्षा, बाप बिगर तो मिल न सके। बैकुंठ की बादशाही तो तुमको मिलती है। 5000 वर्ष पहले भारत में इन्हों का राज्य था। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की राजधानी चली। तुम बच्चे ही जानते हो, यह तो कल की बात है। सिवाय बाप के और कोई बता न सके, पतित पावन वह बाप ही है। समझाने में भी बड़ी मेहनत लगती है। बाप खुद कहते हैं कोटों में कोई समझेंगे। यह चक्र भी समझाया गया है, यह सारी दुनिया के लिए नॉलेज है। सीढ़ी भी बहुत अच्छी है, फिर भी कोई गुर्र गुर्र करते हैं। बाबा ने समझाया है शादी के लिए हॉल बनाते हैं, उनको भी समझाकर दृष्टि दो। आगे चलकर सबको यह बातें पसंद आएंगी। तुम बच्चों को समझाना है, बाबा तो किसके पास नहीं जाएंगे। भगवानुवाच, जो पुजारी हैं उनको कभी पूज्य नहीं कह सकते। कलयुग में एक भी कोई पवित्र हो न सके,
पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना भी सबसे ऊंचते ऊंच जो पूज्य हैं वही करते हैं। आधा कल्प है पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी होते हैं। इस बाबा ने तो ढेर गुरु किए, अभी समझते हैं गुरु करना तो भक्ति मार्ग था। अभी सत गुरु मिला है जो पूज्य बनाते हैं, सिर्फ एक को नहीं सबको बनाते हैं। आत्माएं सबकी पूज्य सतो प्रधान बन जाती है। अब तो तमो प्रधान पुजारी हैं। यह पॉइंट्स समझने की है। बाबा कहते हैं कलयुग में एक भी पवित्र पूज्य नहीं हो सकता, सब विकार से जन्म लेते हैं। रावण राज्य है, यह लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु वह है पूज्य क्योंकि वहाँ रावण ही नहीं। अक्षर कहते हैं परंतु राम राज्य कब और रावण राज्य कब होता है यह कुछ भी पता नहीं है। इस समय देखो कितनी सभाएं हैं, फलानी सभा फलानी सभा, कहाँ से कुछ मिला तो एक को छोड़ दूसरे तरफ चले जाते हैं। तुम इस समय पारस बुद्धि बन रहे हो, फिर उसमें भी कोई 20% बने हैं, कोई 50% बने हैं। बाप ने समझाया है यह राजधानी स्थापन हो रही है, अभी ऊपर से भी बची हुई आत्माएं आ रही हैं। सर्कस में कोई अच्छे अच्छे एक्टर्स भी होते हैं तो कोई हल्के भी होते हैं। यह है बेहद की बात, बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। यहाँ तुम बच्चे आते हो रिफ्रेश होने के लिए, न कि हवा खाने के लिए। कोई पत्थर बुद्धि को ले आते हैं तो वह दुनियावी वाइब्रेशन में रहते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के श्रीमत से माया पर विजय प्राप्त करते हो। माया घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि को भगा देती है। यहाँ तो बाबा कशिश करते हैं, बाबा कभी भी कोई उल्टी बात नहीं करेंगे। बाप तो सत्य है ना, तुम यहाँ सत के संग में बैठे हो, दूसरे सब असत संग में हैं। उनको सत संग कहना भी बड़ी भूल है। तुम जानते हो सत एक ही बाप है। मनुष्य सत परमात्मा की पूजा करते हैं, लेकिन यह पता नहीं कि हम किसकी पूजा करते हैं, तो उनको कहेंगे अंधश्रद्धा। आंगा खा के देखो कितने फॉलोअर्स हैं, वे जब कहाँ जाते हैं तो उनको बहुत भेंटा मिलती है। हीरो में वजन करते हैं, नहीं तो हीरो में वजन कभी किया नहीं जा सकता। शतयुग में हीरे जवाहर तो तुम्हारे लिए जैसे पत्थर हैं जो मकानों में लगाते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसको हीरो का दान मिले। मनुष्यों के पास बहुत पैसे हैं इसलिए दान करते हैं, परंतु वह दान पाप आत्माओं को करने कारण देने वाले पर भी चढ़ता है। अजामिल जैसी पाप आत्माएं बन पड़ते हैं, यह भगवान बैठ समझाते हैं न कि मनुष्य। इसलिए बाबा ने कहा था तुम्हारे जो चित्र हैं उन पर हमेशा लिखा हुआ हो भगवानुवाच, हमेशा लिखो त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। सिर्फ भगवान कहने से भी मनुष्य मूंझेंगे, भगवान तो है निराकार, इसलिए त्रिमूर्ति जरूर लिखना है। उसमें सिर्फ शिव बाबा नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही नाम है। ब्रह्मा देवता नमः फिर उनको गुरु भी कहते हैं। शिव शंकर एक कह देते हैं, अब शंकर कैसे ज्ञान देंगे। अमर कथा भी है, तुम सब पार्वतियां हो बाप, तुम सब बच्चों को आत्मा समझ ज्ञान देते हैं। भक्ति का फल भगवान ही देते हैं, एक शिव बाबा है, ईश्वर भगवान आदि भी नहीं। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है, बाप खुद कहते हैं मीठे बच्चों तो बाबा हुआ ना। बाप समझाते हैं
आत्माओं में ही संस्कार भरे जाते हैं। आत्मा निर्लेप नहीं है, निर्लेप होती तो पतित क्यों बनती? जरूर लेप छेप लगता है, तब तो पतित बनती है। कहते भी हैं भ्रष्टाचारी, देवताएं हैं श्रष्टाचारी, उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी हैं, इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते हैं। अब बाप बैठ मनुष्यों को देवता बनाते हैं। गुरु नानक के भी ग्रंथ में महिमा है। सिख लोग कहते हैं सत श्री अकाल, जो अकाल मूर्त है वही सच्चा सत गुरु है, तो उस एक को ही मानना चाहिए। कहते एक है करते फिर दूसरा है, अर्थ कुछ भी जानते नहीं है। अब बाप जो सतगुरु है अकाल है, वह खुद बैठ समझाते हैं। तुम्हारे में भी नंबर वार हैं, सम्मुख बैठे हैं तो भी कुछ नहीं समझते हैं। कई यहाँ से निकले और खलास, बाबा मना करते हैं बच्चे कभी भी संसारी झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुनो। कई तो बहुत खुशी से ऐसी बातें सुनते और सुनाते हैं, बाप के महावाक्य भूल जाते हैं। वास्तव में जो अच्छे बच्चे हैं, वह अपने सर्विस की ड्यूटी बजाकर फिर अपनी मस्ती में रहते हैं। बाबा ने समझाया है, श्री कृष्ण और क्रिश्चियन का बड़ा अच्छा संबंध है। श्री कृष्ण की राजाई होती है ना, लक्ष्मी नारायण बाद में नाम पड़ता है। बैकुंठ कहने से झट श्री कृष्ण याद आएगा। लक्ष्मी नारायण भी याद नहीं आते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा श्री कृष्ण है। छोटा बच्चा पवित्र होता है। तुमने यह भी साक्षात्कार किया है, बच्चे कैसे जन्म लेते हैं। नर्स खड़ी रहती है, झट उठाया संभाला। बचपन युवा वृद्ध अलग अलग पार्ट बजता है, जो हुआ सो ड्रामा, उनमें कुछ भी संकल्प नहीं चलते। यह तो ड्रामा बना हुआ है ना, हमारा भी पार्ट बज रहा है ड्रामा के प्लान अनुसार। माया की भी प्रवेशता होती है और बाप की भी प्रवेशता होती है। कोई बाप की मत पर चलते हैं, कोई रावण की मत पर। रावण क्या चीज है, कभी देखा है क्या? सिर्फ चित्र देखते हो। शिव बाबा का तो फिर यह रूप है, रावण का क्या रूप है? पांच विकार रूपी भूत जब आकर प्रवेश करते हैं, तब रावण कहा जाता है। यह है भूतों की दुनिया, असुरों की दुनिया। तुम जानते हो, हमारी आत्मा अब सुधरती जा रही है। यहाँ तो शरीर भी आसुरी है, आत्मा सुधरते सुधरते पावन हो जाएगी। फिर यह खल उतार देंगे, फिर तुमको सतो प्रधान खल शरीर मिल जाएगी, कंचन काया मिलेगी। सो तब जब आत्मा भी कंचन हो, सोना कंचन हो तो जेवर भी कंचन बनेगा। सोने में खाद भी डालते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत की नॉलेज चक्कर लगाती रहती है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं। कहते हैं ऋषि मुनि सब नेति नेति कर चले गए। हम कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण से पूछो तो यह भी नेति नेति करेंगे, परंतु इनसे पूछा ही नहीं जाता है। पूछेंगे कौन? पूछा जाता है गुरु लोगों से। तुम उनसे यह प्रश्न पूछ सकते हो। तुम समझाने के लिए कितना माथा मारते हो, गला खराब हो जाता है। बाप तो बच्चों को ही सुनाएंगे ना, जिन्होंने समझा है। बाकी औरों के साथ फालतू थोड़े ही माथा लगाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारा के लिए मुख्य सार, पहला सर्विस की ड्यूटी पूरी कर, फिर अपनी मस्ती में रहना है। व्यर्थ की बातें सुननी व सुनानी नहीं है।
एक बाप के महावाक्य ही स्मृति में रखने हैं, उन्हें भूलना नहीं है। दूसरा, सदा खुशी में रहने के लिए रचता और रचना की नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगाती रहे, अर्थात उसका ही सिमरण होता रहे। किसी भी बात में संकल्प न चले, उसके लिए ड्रामा को अच्छी रीति समझकर पार्ट बजाना है। वरदान, मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव। मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव। जिन बच्चों का बाप से हर श्वास में प्यार है, हर श्वास में बाबा बाबा है, उन्हें योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। याद का प्रूफ है, कभी मुख से मैं शब्द नहीं निकल सकता, बाबा बाबा ही निकलेगा। मैंपन बाबा में समा जाए, बाबा बैकबोन है, बाबा ने कराया, बाबा सदा साथ है, तुम ही साथ रहना, खाना, चलना, फिरना। यह इमर्ज रूप में स्मृति रहे, तब कहेंगे सहज योगी। स्लोगन, मैं करना माना, माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना, बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएगी। मैं करना माना, माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना, बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। 10 अप्रैल 2024 बाबा के साकार महावाक्य। मुरली का सार, मीठे बच्चे, बाप के पास तुम रिफ्रेश होने